तो भाई लोग, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच नंबर 53 है ना, इसमें पंजाब किंग्स के सामने होगा चेन्नई सुपर किंग्स। आप सबको पता है ना, अभी दो तीन दिन पहले तो पंजाब गया था सीएसके के घर में, चिपॉक के मैदान पे, सीएसके को ही बता दिया आप कितने पानी में हो। अब पंजाब अपने घर में सीएसके के सामने होगा, तो क्या फिर से पंजाब कर लेगा मैदान फतेह, या जो सीएसके बोले कि भैया हम हैं तैयार करने के लिए पलटवार, तूने मेरे को मेरे घर में हरा के बताया था असली किंग पंजाब है, लेकिन असली किंग तो चेन्नई है, क्योंकि आज तुम्हारे घर में हम तुमको हराएंगे। लेकिन पता है ना, दोनों में से कोई एक जीतेगा, एक हारेगा, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। और दोस्तों पूरी वीडियो देख कर ना 5 लाख का गिब्बे भी आप अपने नाम पे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे, वो वीडियो के बीच में आपको पता चल जाएगा कि जो 5 लाख का गिब्बे है उसे आप अपने नाम पे कैसे कर सकते हैं, वो भी एक दो लोग नहीं, ढेर सारे लोग। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, तो अभी तक 30 मैच खेले गए, जिसमें से 14 मैच जीता पंजाब ने, 16 मैच जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो अगर हम यहाँ पे देखें हेड टू हेड की बात करें, तो पंजाब और चेन्नई जब भी आमने सामने आते हैं लड़ाई बिल्कुल बराबर की रहती, तभी तो 30 में से 14 पंजाब जीता और 16 जीता चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन लास्ट 5 मुकाबले की बात करें, तो 5 के 5 मैच पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिरी के 5 मुकाबलों में जो पंजाब ने परफॉर्मेंस करी है चेन्नई के सामने ना, उससे तो साबित हो गया कि चेन्नई के सामने जो असली किंग साबित होता है वो होता है पंजाब। तो आज के मैच में क्या होगा, चलो एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं। बस उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में चाहो तो भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने जिस टीम को बोला मैच जीतेगी वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूं विकेट जाएगा उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूं उतने ही रन तो बनते हैं, तो इतनी जबरदस्त अपडेट आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन कर डालो। और जो आज का मैच है चेन्नई वर्सेस पंजाब का, इसमें भाई की अपडेट चेक करना कि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो चीज़ें होती है कि नहीं होती। अगर वही चीज़ें होती है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना। अगर आपको अपडेट अच्छी ना लगे तो वापस आ जाना, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। अगर हम इस मैच की बात करें, संडे 5 मई इंडिया टाइम अनुसार 3:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं, और ये जो मैच है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मैदान पर इससे पहले IPL के 11 मैच खेले गए, जिसमें से 6 मैच में क्या हुआ, टारगेट डिफेंड, और 5 मैच में टारगेट चेज। यहाँ पे चेज और डिफेंड की जो कहानी है वो बिल्कुल बराबर की है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सरफेस है बदलता नहीं है, चाहे पहले बैटिंग कर लो बाद में बैटिंग कर लो एक जैसा रहता है। अगर सेकेंड इनिंग में ड्यू ना आए, वैसे दिन का मैच है तो ड्यू तो भूल ही जाओ, तो पिच एक जैसा रहेगा, चाहे पहले बैटिंग करो बाद में बैटिंग करो। एवरेज स्कोर है 189 रन, मतलब इस मैदान पे भी ठीक ठाक रन बनते हैं। टारगेट चेज की बात करें तो 181 के नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 197 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 181 से 197 के बीच में स्कोर होगा तब क्या होगा, तब समझ जाना मामला बराबर का आ गया, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग, यहाँ का जो सरफेस है ना वो हार्ड सरफेस है। जब हार्ड सरफेस होता है तो क्या होता है, जो बॉल होता है ना शुरू के 3-4 ओवर, खास करके तेज गेंदबाजों का जो स्विंग बढ़िया करवाते हैं उनको 3-4 ओवर स्विंग मिलती है, लेकिन जैसे एक बार बॉल की साइनिंग खत्म होती है जो बॉल होता है वो बैट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है। क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है, बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 60 से 70 मीटर की है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटे, तो बाद में चौके छक्के लगते भी रहते हैं। मतलब शुरू में थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों को हेल्प करेगा, फिर जो पिच है बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, बॉल की साइनिंग खत्म होती है। इसलिए जो मैच है ना आज भी आपको हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है, यानी पावर प्ले स्कोर की बात करें तो आपको 49 से 54 के बीच में देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करते 180 से 195 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो पंजाब ने 11 मैच खेले जिसमें से 5 जीता 6 मैच हारा, यानी अपने ही घर में पंजाब बढ़िया परफॉर्मेंस ना कर पाता, एक मैच जीतता तो एक मैच हार भी जाता। चेन्नई ने 2 मैच खेला, एक जीता एक हारा, दोनों मैच पंजाब से खेला, तो चेन्नई की भी वही कहानी है। पंजाब के सामने इस मैदान पे 2 खेले, एक जीते एक हारे, तो भैया पंजाब एक जीत एक हार वाला चलेगा या फिर आज के मैच में कुछ अलग कर पाएगा, चलो पता लगाते। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पंजाब किंग्स की। देखो अगर शिखर धवन फिट नहीं हुए
तो सेम टीम के साथ पंजाब किंग्स आज के मैच में उतरने वाला है। मे बी 5-10% चांस है कि लियाम लिविंगस्टन को कहीं से घुसा सकता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है अगर शिखर धवन फिट नहीं होंगे तो सेम टीम के साथ पंजाब किंग्स इस मैच में जाएगा, क्योंकि जॉनी बेस्टो की जो फॉर्म है ना वो वापस आ चुकी है। पिछले दो मैचों में जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। हालांकि बात करें हम यहाँ पे प्रभ सिमरन सिंह की, तो इनकी कहानी अभी भी वैसे ही चल रही है। एक मैच में बढ़िया पारी खेलते तो एक दो मैच में फ्लॉप हो जाते। तो प्रभ सिमरन सिंह उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं आए जितनी अच्छी फॉर्म में जोनी यश बाबा आ गए हैं। अगर शिखर धवन फिट होते खेलते, जब तक उन्होंने खेला था 4 मैच खेला था, 3 मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, बस एक मैच में फ्लॉप हुए थे। उनके आने के बाद आई थिंक बल्लेबाजी लाइनअप और थोड़ा मजबूत दिखेगी, क्योंकि तीसरे नंबर पर रेली रोसो एक दो मैच में फ्लॉप हुआ था, लेकिन एक दो मैच से वो भी रन बना रहे। पिछले मैच में 44-45 रन की पारी खेली, उसमें उससे पिछले मैच में भी 27-28 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिली रोसो फॉर्म में आ गए, लेकिन पूरी तरीके से फॉर्म में हैं ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन शशांक सिंह पहले नीचे बल्लेबाजी करते थे तब भी रन बनाते थे, पिछले 2-3 मैच से 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। दोनों मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी करी। केकेआर के सामने ताबड़तोड़ पारी खेलने की जरूरत थी, ताबड़तोड़ खेला। सीएसके के सामने संभाल के खेलने की जरूरत थी, संभाल के खेला। मतलब शशांक सिंह के अंदर ना हर गुड़ है। हर गुड़ का मतलब जैसी जरूरत वैसी परफॉर्मेंस, गजब की फॉर्म में शशांक सिंह। सैम करन की बात करें ये भी काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 1-2 विकेट लगभग सभी मैचों में चटका देते हैं, 1-2 मैच छोड़ दिया जाए और बल्लेबाजी का नंबर भी आता है 20-25-30-35 रन जैसी जरूरत होती है वैसा खेल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे सैम करन भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ साथ कप्तानी भी ठीक ठाक करने लग गए हैं। एंड पिछले मैच में देखा धोनी के लिए राहुल चाहर को बचा के रखा था 19वां ओवर, वहीं से ना जो मोमेंटम मिला पंजाब को ना उसके बाद छोड़ा ही नहीं। हालांकि जितेश शर्मा की बात करें तो अभी तक ये भी फॉर्म में नहीं लौटे, इनकी जो बल्लेबाजी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। 1-2 मैच में 20-25 की पारी खेली, लगभग सभी मैचों में फ्लॉप। लेकिन आशुतोष शर्मा की बात करें, जब जब फिनिश करने का नंबर आया लड़के ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। जी हाँ दोस्तों, अगर 15 बॉल खेला तो 30 रन, 20 बॉल बोला तो 40 रन, 25 बॉल खेला तो 60 रन, मतलब 250 की स्ट्राइक रेट से ये फिनिश कर रहे हैं। कौन? आशुतोष शर्मा। अगर लियाम लिविंगस्टन आ जाएंगे तो मे बी इनकी बल्लेबाजी लाइनअप थोड़ा सा और बेहतर दिखने लग जाएगी, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन ठीक ठाक बल्लेबाजी करी, बहुत ज़्यादा खराब नहीं करी, थोड़ा स्पिनर्स के सामने फंस रहे, लेकिन 2-3 मैच में नॉट आउट की पारी खेली थी। उसके साथ साथ जो गेंदबाजी का ऑप्शन देते हैं ना उससे थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो यहाँ अगर हम पंजाब की बात करें तो हद तक कह सकते हैं कि इनकी बल्लेबाजी फॉर्म में आ चुकी है, 1-2 प्लेयर को छोड़कर, एक प्रभ सिमरन सिंह, एक जितेश शर्मा को छोड़कर लगभग सारे बल्लेबाज अभी तक ठीक ठाक कर रहे हैं पिछले 2-3 मैचों से। गेंदबाजी की बात करें तो इनकी गेंदबाजी पहले भी बढ़िया चल रही थी, अभी भी बढ़िया चले, क्योंकि कगिसो रबाडा न्यू बॉल से बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, 1-2 विकेट चटका देते हैं। अगर इनको विकेट नहीं मिलता तो अर्शदीप सिंह आते हैं, वो विकेट चटका देते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक आता विकेट चटका देते हैं। हालांकि दोनों लगातार सभी मैचों में विकेट ना चटकाए, लेकिन एक आता गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर देता है, या तो कगिसो रबाडा या तो अर्शदीप सिंह। सैम करन की बात करें तो बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ ठीक ठाक गेंदबाजी भी करी है, 1-2 मैच छोड़ देते तो सभी मैच में 1-2 विकेट निकाले, बढ़िया था। राहुल चाहर शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन पिछले 2 मैच से उनको खिलाया जा रहा है, दोनों मैचों में जो जबरदस्त गेंदबाजी करी है ना उससे लग रहा है कि राहुल चाहर इज बैक। हर्षल पटेल की बात करें तो इस सीजन फिर से परपर पटेल दिख रहे हैं, 14 विकेट लेकर दूसरे नंबर पे बने हुए हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यार। मतलब मिडिल में डेथ में जैसा जो उनका रोल है वो रोल आके निभा रहे हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा महंगे साबित जरूर हो रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, हरप्रीत बरार की बात करें तो 1-2 मैच में बढ़िया गेंदबाजी करते, तो 1-2 मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। हरप्रीत बरार जो सीजन की शुरुआत में था उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे, लेकिन इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैम करन आगे बढ़िया गेंदबाजी कर जाते हैं। अगर लियाम लिविंगस्टन खेलते तो वो आगे बढ़िया गेंदबाजी कर जाते हैं। तो बल्लेबाजी इनकी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी पहले, अभी वो थोड़ा फॉर्म में दिख रही है। बाकी गेंदबाजी इनकी पहले भी बेहतर थी, अभी भी बेहतर कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम यहां पे चेन्नई सुपर किंग्स की, तो भैया इनका सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पहले चेंजेस की बात करें तो अगर मुस्तफिजुर रहमान चले गए होंगे तो उनकी जगह पे मतीसा पथिराना आ सकते हैं, लेकिन मैंने बांग्लादेश का स्क्वाड देखा तो उसमें अभी तक दफिज का नाम नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, मे बी खेल भी सकते हैं या चले गए, थोड़ा सा इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है। बाकी दूसरे चेंजेस की बात करें, तुषार देशपांडे समीर रिजवी की जगह पर या तो खेल सकते हैं, या तो फिर दीपक चाहर पूरी तरह से फिट ना होंगे तो उनकी जगह पर भी तुषार देशपांडे खेल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो अजिंक्य रहाणे जब तीसरे नंबर पे खेले थे तब भी फ्लॉप, चौथ ओपन कर रहे हैं तब भी फ्लॉप। तो अज्जू भाई ने जो अभी तक सबसे हाईएस्ट पारी खेली है आईपीएल 2024 में 45-45 रन के, नहीं तो 10-15-20 रन बना के या जीरो पे भी निपट जाते। जो अज्जू भाई की फॉर्म है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 1-2 मैच हटा दिया जाए तो सभी मैचों में बढ़िया पारी खेली है, लेकिन कभी कभी इनका भी स्ट्राइक रेट का मसला आता है, जैसा कि पिछले मैच में देखो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई विदेशी बल्लेबाज आके खेलता है कम स्ट्राइक रेट से तो पूरी दुनिया उसकी बात करती है,
लेकिन अपना कोई प्लेयर खेलता है तो हम बात नहीं करते, करना चाहिए। तो ऋतुराज गायकवाड़, नो डाउट सभी मैचों में स्ट्राइक रेट का मसला नहीं आता, लेकिन किसी किसी मैच में स्ट्राइक रेट का मसला ऋतुराज गायकवाड़ के बल्लेबाजी में आता है। बाकी रन तो बढ़िया बना रहे हैं ऋतुराज, रन बना रहे हैं नो डाउट। थोड़ा सा कप्तानी में देखना पड़ेगा, क्योंकि डैरिल मिचेल पिछले मैच में जबरदस्त पारी खेली थी तीसरे नंबर पे, लेकिन कल के मैच में उनको तीसरे नंबर पे खिलाया नहीं गया, ओवरऑल उनकी बल्लेबाजी की नंबर ना आई। शिवम दुबे थोड़ा सा पहले भेजा जाता है, और शिवम दुबे के साथ होता है क्या, जीरो पे निपट जाता। जब तक उनको पहले नहीं भेजा गया, चौथे पांचवें नंबर पे खेल रहे थे, तब शिवम दुबे बढ़िया बल्लेबाजी करते, सभी मैचों में आते थे, 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे। पिछले मैच में जल्दी भेजा गया, तो एक तो डैरिल मिचेल का यूज भी ना हो पाया, और शिवम दुबे जल्दी पर विकेट लौट गए, जिसकी वजह से क्या होता है सीएसके फंस जाता, तेज गति से रन नहीं बना पाता। हालांकि ओवरऑल जो शिवम दुबे हैं काफी अच्छी फॉर्म में, सभी मैचों में रन बना रहे हैं और तेजी के साथ रन बना रहे हैं। एक आता दो मैच छोड़ दिया जाए तो डैरिल मिचेल भी कहेंगे फॉर्म में आ चुके हैं। अभी तक मोइन अली का सही से यूज नहीं किया गया, पिछले मैच तक का, पिछले मैच में मोइन अली का यूज किया गया तो डैरिल मिचेल का यूज नहीं किया गया। मतलब चेन्नई 10 ही प्लेयर के साथ खेलता है क्या, कभी मोइन अली को कुछ भी ना गेंदबाजी आती है ना तो बल्लेबाजी आती है। जब मोइन अली से गेंदबाजी और बल्लेबाजी कराई गई तो डैरिल मिचेल से नहीं कराई गई। तो थोड़ा सा ये जो बेसिक एरर है ना, ये ऋतुराज गायकवाड़ को या MS धोनी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 10 के साथ खेलोगे तो बात ना बन पाएगी। क्योंकि जड्डू की बात करें तो जड्डू इस सीजन एक KKR के सामने शायद बढ़िया गेंदबाजी करी थी, नहीं तो सब में एक आता विकेट लेस ऐसे ही जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी जड्डू अभी तक नहीं कर पा रहे, टोटल 4-5 विकेट निकाला है। जो अभी तक 10 मैच खेले गए उसमें सिर्फ जड्डू ने 3 मैच में विकेट निकाला, 1 मैच में 3 विकेट, शायद बाकी के मैचों में 1-1 विकेट। बल्लेबाजी की बात करते 1 में हाफ सेंचुरी आई है, बाकी 3-4 मैचों में 25-26-27 की पारी खेली थी, लेकिन सभी में जो स्ट्राइक रेट था ना 140 के नीचे था। तो मेरे हिसाब से T20 की परफॉर्मेंस तो जड्डू अभी नहीं कर रहे, ना तो बल्ले से ना तो गेंद से ही। माही भैया की बात करें तो उनका जो काम है वो करते हैं, आते हैं 5-10 बॉल खेलते हैं, 250-300 की स्ट्राइक रेट से 25-30-40 रन बना देते हैं। MS धोनी के अंदर वो पावर दिख रही है, लेकिन जड्डू के अंदर वो पावर नहीं दिख रही। समीर रिजवी को बहुत मौके मिले लेकिन मौके का फायदा अभी तक उठा नहीं पाए, मतलब 3-4 मौके तो हो गए, 3-4 मौके में अपना काम कर देना चाहिए, जो कि नहीं कर पाए। बल्लेबाजी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ रन बना रहे हैं, शिवम दुबे तेजी के साथ लगातार रन बना रहे हैं, और डैरिल मिचेल ये ठीक ठाक खेल रहे हैं, मतलब ज़्यादा फ्लॉप नहीं हो, क्योंकि 150 आया है, लेकिन 25-30 सभी मैचों में डैरिल मिचेल ने बनाए। बाकी की जो बल्लेबाज है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके, सीएसके के। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। दीपक चाहर की बात करें तो अभी तक सारे मैच खेले, लेकिन 7-8 मैच खेल चुके, 7-8 मैच में सिर्फ 4-5 विकेट है। तो दीपक चाहर टाइम टाइम फिस हैं पूरे सीजन। तुषार देशपांडे की बात करें, एक मैच में विकेट मिलता है तो 2-3 मैच विकेट लेस जाते हैं। मैं मानता हूँ एक मैच में आते हैं 2-3 विकेट निकाल लेते हैं, 4 विकेट, लेकिन 1-2 मैच में फिर क्या, विकेट इनको नहीं निकल पाता। सरदुल ठाकुर को भी मौके ठीक ठाक मिल चुके 3-4 मैचों में, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव ना डाले, 1-2 मतलब एक आता ही विकेट निकाल पाने, ज़्यादा नहीं। तो जो इंडियन तेज गेंदबाज है अभी तक वो तो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ में जड्डू भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर इनकी तरफ से कोई बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है तो वो दफीज मुस्तफिजुर रहमान, जो लगातार सभी मैचों में किफायती रहे, विकेट भी निकाले, पिछले मैच में विकेट ना मिले तो बहुत ज़्यादा किफायती रहे। बताओ 14-15 ओवर आके मेडन डाल के जाते हैं, ये होता है गेंदबाजी। मथीसा फथिराना, ये भी लगातार थोड़ा सा चोट इनको लगती रहती है, बीच में एक आता मैच मिस करते, लेकिन जितने भी मैच खेले मथीसा फथिराना ने बढ़िया गेंदबाजी करी, विकेट चढ़काए, किफायती रहती। यानी मुस्तफिजुर रहमान और मथीसा फथिराना ये बढ़िया गेंदबाजी करो। पिछले मैच में रिचर्ड ग्लीसन को मौका मिला तो उन्होंने भी काफ़ी ठीक ठाक गेंदबाजी करी, हालांकि ज़्यादा विकेट ना मिला, लेकिन गेंदबाजी उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। तो जो विदेशी गेंदबाज है सीएसके के लिए वो बढ़िया कर रहे हैं, और जो इंडियन गेंदबाज है वो बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा सीएसके, अगर आप 10 खेलोगे तो 5 जीतोगे 5 हारोगे, मतलब 1 जीतोगे ये 1 हारोगे यही चलेगा, तो सीएसके के साथ भी वही हुआ। तो अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब देखें तो सीएसके शुरू से वैसे ही कर रहा है, 1 जीत रहा है 1 हार रहा है, लेकिन पंजाब की बात करें तो शुरुआत में परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, लेकिन पिछले 2 मैच से जो इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। तो आज के मैच में क्या होगा वो बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो गिब्बे है ना इस वीडियो में नहीं है, लेकिन पंजाब और चेन्नई की जो ड्रीम 11 की वीडियो बनी है उसमें है 5 लाख का गिब्बे। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अब सब इन फंटेसी YouTube चैनल पे, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जाओ पंजाब और चेन्नई की जो ड्रीम 11 की वीडियो है उसमें देखो, उसमें आपको 5 लाख का गिब्बे मिल जाएगा, बस एक आसान से सवाल का जवाब देकर। तो और जो ये गिब्बे है ना इसमें ढेर सारे लोग हिस्सा ले सकते हैं, तो फटाफट जाओ वो वीडियो देख लो। बाकी अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहाफ पे कंपैरिजन करें तो पंजाब ने अपने आखिरी के 6 मैच में 2 जीता 4 हारा, दुर्दशा खराब। चेन्नई की बात करें तो आखिरी के 6 मैच में 3 जीते 3 हारे, मतलब 1 जीत रहे 1 हारे। इस दौरान जिनका बल्लेबाजी एवरेज है 181 रन का, यानी जो बल्लेबाजी है सभी बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। पंजाब की बात करें तो 183 रन, इनका भी जो बल्लेबाजी एवरेज है ना पिछले 2 मैचों से तो रन बनाए, उससे पहले
आपको पता है पावर प्ले में 3-4 विकेट गिरा दिया करते थे, इसलिए बल्लेबाजी एवरेज हल्का दिख रहा है। गेंदबाजी एवरेज की बात करते 8.96 है। 8.96 का मतलब है जो इनके गेंदबाज है ना वो 180 के नीचे नीचे रन खाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी एवरेज 183 की, तभी 6 में से 2 जीता। मतलब बल्लेबाजों ने निराश किया, गेंदबाजी इनकी बढ़िया चली तभी 6 में से सिर्फ 2 ही जीता। बात करें सीएसके की, जो इनका गेंदबाजी एवरेज है 8.59, जो गेंदबाजी एवरेज होता थोड़ा सा बढ़िया होता, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इतना अच्छा गेंदबाजी एवरेज, क्योंकि इनके गेंदबाजों की कहीं ना कहीं पिटाई तो हुई, लेकिन फिर वही होता है ना, एक आता कोई गेंदबाज आता है जबरदस्त गेंदबाजी कर जाता है, जैसे एक मैच में पथिराना 4 विकेट, एक मैच में दफी 4 विकेट, एक मैच में तुषार देशपांडे 3-4 विकेट, एक मैच में जड्डू 3-4 विकेट, मतलब कोई एक आता गेंदबाज आके आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी कर जाता है। इस मतलब सभी गेंदबाज एक दिन बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पाते, इसलिए गेंदबाजी एवरेज बढ़िया दिख रहा है, बल्लेबाजी एवरेज अच्छा नहीं है, तभी एक जीते एक हारे। तो बात करें अगर हम यहाँ पर रिजल्ट्स की, तो उसमें थोड़ा बहुत चेन्नई पंजाब से बेहतर दिख रहा है, बल्लेबाजी एवरेज दोनों एक जैसा है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो लिटिल बिट, बहुत थोड़ा सा तो चेन्नई का गेंदबाजी एवरेज है वो पंजाब से बेहतर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा। तो आज के मैच में क्या होगा चलो मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ, लेकिन अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तो कर लो यार, कर लो भाई साहब, बहुत मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए, तो अपना फर्ज निभाओ, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सारी एनालिसिस करने के बाद ही जो मैच है वो 50-50 है, 50 पंजाब किंग्स एंड 50 चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है जो आज का ये मैच है ना पंजाब किंग्स अपने नाम पे कर सकता है, लेकिन इस मैच की जो फाइनल वाली प्रेडिक्शन है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता है ना टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोल देता हूँ मैच जीतेगी वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता उतने ही रन बनते हैं। इतनी ज़बरदस्त अपडेट ना कहीं और आपको ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अपसा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, अगर आपको पंजाब और से चेन्नई का जो मैच है सभी अपडेट बिल्कुल सही मिलती है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, अगर आपको अपडेट मेरी पसंद ना आए तो वापस आ जाना, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन एक बार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए God bless you।